हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ अच्छे होंगे। मैं पुनः वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि ये होने वाला है होम डेकोर का। हाँ, अब दिवाली है तो भाई घर को सजाना तो बनता है। तो मैंने मीशो से कुछ सामान ऑर्डर किया है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपके बजट में आता है तो। वैसे तो सारे ही बजट फ्रेंडली है, मैंने अंडर 200 ही सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे। और बाकी आपके घर में जो सूटेबल है, जो फिट होता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ऐसे पीस की जो मैंने कुछ ऑर्डर किया था, बट आया मेरे पास कुछ और है, बट मैं उससे भी बहुत हैप्पी हूँ। तो बात करती हूँ अपने इसके, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आया था और ये एक बॉक्स के अंदर पैक था। तो मैंने बॉक्स तो इसका ओपन कर लिया, बट ये ओपन नहीं किया। और इसकी क्वालिटी रियली बहुत 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 अच्छी है। ये मुझे शायद 100 रुपीज़ का पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस पर है ना, आपको कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, 10% या 15% इस टाइप का एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये 2 का सेट है, मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा। और डिज़ाइन इसका कुछ और है, जो मैंने ऑर्डर किया था वो कुछ और था, बट आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया और ये निकल ही नहीं रहा है, ये अटक गया है। बहुत ही ज़्यादा फाड़ने फूड़ने के बाद निकल गए मेरे ये दो आर्टिफिशियल प्लांट्स, जो बहुत ही सुंदर है। डिज़ाइन डिफरेंट है, जो मैंने ऑर्डर किया था वो नहीं आया, बट ये डिज़ाइन भी ना बहुत अच्छा है। और जो इसकी पॉट की क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी है। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है देखिए। और जो इसकी जो लीव्स है ना, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब 100 रुपीज़ में मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा पीस है, एक यूज़फुल पीस है ये। तो फटाफट से चलते हैं अपने हम सेकंड पीस पर, जो होने वाली है ये क्यूट से बुधास, जो मार्वल के हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, बहुत ही पुराना आइटम है, बट मेरे पास पहले था तो मैंने वो किसी को दे दिया। किसी को बहुत पसंद आया था तो मुझसे ले गए, तो मैंने अपने लिए दूसरा पीस ऑर्डर किया है। और ये मार्वल के हैं, ये बहुत ही सुंदर है। 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। इसमें एक दो पैटर्न और भी है, जैसे एक कैप लगाने वाला है, तो इसमें आपको डिज़ाइंस और भी मिल जाएंगी। मुझे ये डिज़ाइंस पसंद था तो मैंने ये ऑर्डर किया है। ये मार्वल के हैं और जो बहुत ही सुंदर है, इनकी फिनिशिंग भी ना बहुत ही अच्छी है। ये वाला डिज़ाइन ना आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे मिल जाएगा, बट मुझे मीशो पे ही सबसे सस्ता मिला था, 151 रुपीज़ का मिला है, इसलिए मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। तो मैं आपको वो प्राइस बता रही हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मैंने इसकी ऑनलाइन पेमेंट की थी तो मुझे उस पे जो सेलर का डिस्काउंट होता है वो भी मिला है। और क्वालिटी वाइज ना ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे हैं। अपने किसी भी कॉर्नर में लगाएं तो उससे ना एकदम कॉर्नर ना बहुत ही सुंदर बन जाएगा। बात करते हैं अपने थर्ड पीस की। इस बार मुझे ना इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। मीशो की पैकेजिंग पहले तो ऐसे पन्नी में डाल के भेज देते थे, बट रियली इस बार जो इनकी पैकेजिंग है ना, बहुत अच्छी है। ये मैंने अपने किचन के लिए मंगाए हैं। ये इस टाइप के वुडन के हैं, वो जो होते ना स्पैचुला टाइप के वो हैं। और ये राजस्थानी लुक में है, ये देखिए ये पूरा जो इसका है ना, ये राजस्थानी लुक में है। और पीछे से ना इसके अंदर डबल साइडेड टेप लगी है, जिससे कि आप इसको वॉल पर या अगर अपने किचन में आपको टाइल्स पे इनको हैंग करना है तो उस पर आप इनको हैंग कर सकते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट पीस। सेकंड है इसका ये वाला, देखिए ये भी पूरा वुडन का है। इसके अंदर एक अंकल बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और जो इनका कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा है। मैंने तो ये मेन अपने किचन में लगाने के लिए मंगाए हैं, जो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये 3 का सेट है। मैं इसको कैसे लगाऊंगी आप वो मेरी वीडियो में ज़रूर देखना। ये 3 का सेट है, बहुत ही सुंदर है, और आप ट्राई ऑन में देख ही चुके हैं कि मैंने इसको कैसे अपने किचन में लगाया है। ये बहुत ही सुंदर है और ये भी 150 अंडर का ही है, 150 के अंदर अंदर आया है। एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स ना मुझे नवरात्रों में ही ऑर्डर हो गए थे, रिसीव हो गए थे नवरात्रों में ही, बट नवरात्रों में मैं पूजा में इतना बिजी थी कि मैं ये वीडियो बना नहीं पाई, तो इसलिए मुझे इनके प्राइजेस इतने अच्छे से याद नहीं है, बट सारे ही 200 के अंदर के ही हैं। जो भी प्राइजेस हो गए मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। बात करते हैं अपने थर्ड पीस की। ये भी मैंने अपने किचन के लिए ही मंगाया है और ये मुझे ना एक्सचेंज करना था,
क्योंकि इसमें ना एक पीस सही नहीं आया था, बट क्या करूँ, 7 डेज का एक्सचेंज और रिटर्न होता है, तब तक 7 डेज निकल चुके थे जब मैंने इनको देखा। तो ये इस टाइप के हैं, जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना ये उस शेप के हैं, ये भी 4 में आए हैं। इसके अंदर कलर्स ना बहुत सारे कलर्स हैं, आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। और जो इसके ऊपर कोटेशंस है ना वो भी अलग अलग लिखी है सबके ऊपर। इसके अंदर आपको मल्टी कलर में भी मिल जाएगा, व्हाइट में है, और पूरे चारों आपको ब्लैक में भी मिल जाएंगे। तो इस पे फर्स्ट पे लिखा है लिव लव ईट, और इस पे लिखा हुआ है यू आर माई कप ऑफ कॉफी, और थर्ड वन पे लिखा हुआ है किचन गार्डन, एंड फोर्थ वन इज कॉफी ऑलवेज गुड आइडिया। तो ये तीन तो ना मुझे एकदम बढ़िया से रिसीव हुए हैं, मगर जो फोर्थ वन है ना, इसके अंदर देखिए, इस पे आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की सी ना ये पेन चला हुआ है पूरे पर, मुझे तो पेन सा ही दिख रहा है, ये देखिए पूरा पेन चला हुआ है। और जब तक ये इसके एक्सचेंज करने की डेट थी ना, तब तक वो डेट निकल चुकी थी। और इसके पीछे ना कोई भी डबल साइडेड टेप नहीं है, तो इसको ना आपको जो कील होती है ना उसी के ऊपर इनको ऐसे हैंग करना पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो ना चारों साइड पर डबल साइडेड टेप लगा के भी इसको अपने किचन में, या वैसे तो ये मेन मुझे किचन के लिए ही मैंने मंगाए हैं, बाकी आप चाहे तो अपने जो किचन की बाहर वाली वॉल होती है ना उस पर भी लगा सकते हैं। और ये भी कुछ आई थिंक 160 के अप्रॉक्स मुझे पड़ा है, बट बहुत अच्छा है किचन के लिए, दिवाली पे किचन को कुछ नया लुक देने के लिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना टाइम किचन में ही निकालते हैं, तो मतलब वो किचन थोड़ा अच्छा सुंदर दिखना चाहिए। इसलिए फोर्थ पीस की हम बात करते हैं, ओ इस बार मैंने बहुत सारे इसी टाइप के मंगा लिए हैं, और ये है मेरा फोर्थ पीस। ये अभी तक मैंने ना पूरा ओपन भी नहीं किया, ये देखिए पूरा ये पैक्ड ही रखा है। नवरात्रों में मैं इतना बिजी रही कि मैंने ना ये सब चीजें ओपन करके ही नहीं देखी है। ये मैंने अपना मंगाया है बालकनी में लगाने के लिए, बहुत ही सुंदर था ये मैंने जब देखा था, बट अभी मैंने इसको ओपन नहीं करके देखा, तो चलिए साथ में ही देखते हैं कि इसके अंदर के डिजाइन्स कैसे हैं। तो ये देखिए, ये है इसका सबसे छोटा वाला चिन्नू वाला, ये देखिए इसमें भी ना आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। मुझे ये वाला पसंद था, ये जो आदिवासी वाला होता है ना ये उस टाइप का है, ये वाला मुझे पसंद था। बाकी आपको इसके अंदर ना बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे, इसके अंदर भी आपको राजस्थानी लुक वाला भी मिल जाएगा। तो ये सारे ना डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, ये देखिए सबसे छोटा, मुझे लगा वो सबसे छोटा, मेरे को उससे भी छोटा ये वाला निकला ब्लैक कलर का, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए वैसे तो इसमें लगाने के लिए मैं इसका वो चेक भी कर सकती हूँ, जो इन्होंने जहाँ से मैंने ये एक ऑर्डर किया है ना उसमें इसको लगाने का पूरा डिजाइन बना हुआ था। बाकी आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको लगा सकते हैं, छोटा बड़ा ऊपर नीचे करके, मतलब जो डिजाइन आपको पसंद आता है आप उसके हिसाब से इसको लगा सकते हैं। और इसके पीछे ना इस टाइप का टेप लगा हुआ है, तो इसको टेप को निकाल के आप इसको बस ऐसे पेस्ट कर दीजिए और ये पेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये पूरे 16 निकले हैं हर साइज के, छोटे बड़े छोटे बड़े। तो ये मैंने अपनी बालकनी के लिए मंगाया है, तो देखते हैं बालकनी में लग के अच्छा ही लगेगा ये। तो ये भी कुछ मुझे अंडर 200 ही है, ये भी प्राइस तो मैं टैग लगा ही दूंगी, आप वहां से स्क्रीन पे चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने थर्ड पीस की, जो एक बहुत ही सुंदर वास है, और जो इतनी अच्छी पैकेजिंग में आया था ना, मैं इसकी पैकेजिंग के लिए ना पूरे 100 out of 100 दूंगी। फर्स्ट टाइम मुझे मीशो की पैकेजिंग इतनी अच्छी मिली रियली, ठीक है। वो ये आया था एक पोलोथीन में पैक था, कागज में भी पैक था, तो वो सब मैंने ओपन कर लिया था चेक करने के लिए कि ये कहीं टूटा तो नहीं है, क्योंकि ग्लास का है तो टूट जाता है इसलिए। बट सी सो 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 ब्यूटीफुल, मुझे नहीं पता था ये इतना सुंदर निकलेगा, इतना अच्छा है रियली। और ये ना ब्राउन शेड में है, ये देखिए ऊपर से नैरो है और नीचे से इसकी शेप गोल शेप में है, और जो इसका रखने का ये है ना ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब इतना सुंदर वास है ना, ये तो मैंने मीशो से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना सुंदर होगा। और अंडर 200 रुपीज है, मतलब इसको मैं कहीं पे भी रखूँ अपने साइड टेबल पर या कॉर्नर्स में लगाऊ ना, बस वो इससे ही ना एकदम सुंदर हो जाने वाला है, मेरी दिवाली में ना चार चांद लग जाएंगे। मुझे ये इतना पसंद आया और एकदम रीजनेबल प्राइजेस पे मिला, ऐसा ऐसा वास मैंने ना अमेजोन पे देखा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ रहा था इसलिए मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत मीशो कई बार गड़बड़ कर देता है, कुछ के बदले कुछ भेज देता है, बट ये वाला उसने कुछ और नहीं भेजा, सेम पीस भेजा, एंड आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी
कि उसने इतना अच्छा ये मुझे भेजा है। और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पीस की जो इतने बड़े बॉक्स में आया है। ये मैंने स्पेशली दिवाली के लिए मंगाया है अपनी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि हम दिवाली, मैं दिवाली अपने ससुराल में मनाती हूँ, तो मैंने ये वहाँ के लिए मंगाया है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये इस टाइप की उल्ली टाइप की है, ये नीचे ये उल्ली है पूरी, और ये सारे दिए हैं। ये दिए इसके अंदर 12 दिए हैं, ये 12 है। और देखिए इसकी क्वालिटी भी ना अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली अभी मुझे ना अच्छा लग रहा है, बट मैंने ना एक मीशो से पहले वास मंगाया था, मैं आपको दिखाऊंगी वो वास। मतलब वो जब आया काफ़ी अच्छा था, बट आफ्टर यूज ना वो काला काला हो गया। तो आई होप कि इसके साथ ऐसा ना हो। अभी तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है। मे बी ये 171 या 181 का ही मुझे आया है, बट बहुत अच्छा है। और मैं तो साल में एक ही बार इसको यूज़ होने वाला है, सिर्फ दिवाली दिवाली किसी फेस्टिवल पर यूज़ होगा। बट रियली ब्रास का है ये, अब पता नहीं ये ब्रास है या उस पर इन्होंने पेंट करके दिया हुआ है क्या है, बट रियली बहुत ही सुंदर है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर के और फ्लोटिंग वाले दिए डाल के ना ये बहुत सुंदर लगेगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पीस की, जो है ये कैंडल्स या इन्हें लालटेन्स भी कह सकते हैं। ये मैंने मंगाया है 2 में, बहुत ही सुंदर है। देखिए कितने सुंदर कलर्स लग रहे हैं ना। सब कुछ दिवाली पे एक्चुअली लाइटिंग होनी चाहिए ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है, तो इसलिए ना मैंने लाइट्स का भी काफ़ी सारा सामान मंगाया है। इसमें 2 कलर है, काफ़ी अच्छे कलर है। वैसे मुझे येलो कलर ज़्यादा पसंद नहीं आता, मैं कपड़े नॉर्मली येलो कलर के नहीं लेती हूँ, बट मुझे ये वाली लालटेन ना येलो कलर में बहुत सुंदर लगी। इसके अंदर नीचे ये इसके अंदर आप इसे ओपन करके इसके अंदर आप कैंडल रख सकते हैं, और कैंडल रखने के बाद आप इसको लगा दीजिए। आप चाहे तो इसको कहीं पे रख भी सकते हैं, और चाहे तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं इस टाइप से। बहुत सुंदर है, और जो इसके ग्लासेस है ना वो भी अच्छी क्वालिटी के। ये देखिए बहुत अच्छी लालटेन है, मतलब दिवाली पर ना बहुत अच्छा लगता है अपने घर को डेकोरेट करना, तो मैं ऐसे छोटे छोटे आइटम्स मंगा लेती हूँ अपने घर को डेकोरेट करने पर जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये भी ना अंडर 200 रुपीज़ का ही है, ये मुझे बहुत अच्छी डील मिली है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पीस की, जो बहुत ही सुंदर है बट होम डेकोर का आइटम नहीं है। ये मैंने अपने लिए मंगाया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा था, और ये ना बहुत अच्छे पैकेजिंग में आया था। मुझे ये डबल पैकेजिंग में मिला, जैसे ये एक ऐसा बॉक्स है ना, ऐसा ही एक और बॉक्स था उसके अंदर ये बॉक्स रखकर आया था, तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैंने ये मंगाया है लिपस्टिक होल्डर, या फिर आप इसमें अपनी नेल पेंट्स भी रख सकते हैं। इसके अंदर 16 बने हुए हैं इस टाइप के ना, ये 16 है देखिए। और इसके अंदर आप चाहे तो अपना फाउंडेशन भी रख सकते हैं, कंसीलर भी रख सकते हैं, इसमें इतना ही स्पेस है कि इतना आ जाएगा। पीछे आप अपने ब्रशेस भी रख सकते हैं, इसमें इतना ही स्पेस है, या फिर अपना काजल भी रख सकते हैं, काजल लिप लाइनर वो सब इन सब चीज़ों में आ जाएगा। और ये स्पेस में आप अपनी लिपस्टिक या फिर नेल पेंट रख सकते हैं, लिपस्टिक जो आप अपनी डेली वेयर में यूज़ करते हैं, नेल पेंट जो डेली वेयर में यूज़ करते हैं ना, मतलब इसमें आपका जो डेली वेयर का मेकअप है ना वो ऑलमोस्ट पूरा आ जाएगा, इतना इसके अंदर है। और क्वालिटी ना इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब प्लास्टिक की क्वालिटी भी ना इसकी काफ़ी अच्छी है। ये भी मुझे ऑलमोस्ट 160 या 165 का पड़ा है, मुझे प्राइस किसी के अप्रोक्स याद नहीं है, मैं सब स्क्रीन पर लगा दूंगी, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी, बहुत अच्छी है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पीस की, नेक्स्ट पीस है एक टेबल रनर जो मुझे अपने डाइनिंग टेबल के लिए चाहिए था। तो इस पे लिखा तो था जूट फैब्रिक, बट मुझे ये ऐसा कुछ खास जूट फैब्रिक का लगा नहीं, और जो इसका लेंथ है ना वो तो काफ़ी अच्छा लेंथ है। ये देखिए इसमें भी आपको काफ़ी सारे शेड्स अलग अलग मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स थे। ये देखिए ये मल्टी कलर है, मैंने इसलिए मल्टी कलर में लिया कि इसके साथ में कोई भी सोफा कवर या फिर कुशन कवर डार्क कलर का लगाऊंगी ना या लाइट कलर का, सब इसके साथ मैच कर जाएगा, इसलिए मैंने मल्टी कलर का लिया है। और पीछे से ना इसके पीछे इस टाइप की ना लाइनिंग दी हुई है, ये लाइनिंग ना प्योर कॉटन की है, देखिए सैटन वाले कपड़े की नहीं है। और इसका आगे भी ना ये जूट ही है, बट इतना अच्छा जूट नहीं है, मतलब ठीक ही जूट है। तो ये भी मुझे ना
160 और 165 का ही अप्रोक्स पड़ा है। इसकी लेंथ काफी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मल्टी कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं, सबके साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो मेरा वीडियो आज का इतना ही था। नहीं, मुझे आपको एक चीज और दिखानी थी जो मैंने आपको बताया था, वो था ये वास जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मेरे चैनल पर है, वहां से चेक कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जब ये आया ना मुझे बहुत 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 पसंद आया था, बट आफ्टर वन मंथ ना इसकी जो क्वालिटी है ना, तो पता चली कि कितना खराब है। ये देखिए, मैंने मतलब वन मंथ यूज किया और ये पूरा ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक। ये देखिए, इस यहाँ तक कि इस पे देखिए ये भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं। ये देखिए ऊपर भी ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ गए। उस समय ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट हाँ इस पे मैं स्प्रे पेंट करके इसको सही तो कर लूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वन मंथ में ही कोई चीज अगर खराब हो जाएगी तो मेरे हिसाब से वो चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, वो वर्थ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला वास दिखाया है। तो इसको तो ना डेफिनेटली मत लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है बट आफ्टर यूज ये बहुत ही बेकार हो जाता है। और ये वास भी मैंने ना अंडर 200 ही मंगाया था। तो मेरा बस वीडियो आज का इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय माता।